सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल लाइट। और यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल लाइट के अपकमिंग अपडेट, मतलब कि 0.19.4 का बीटा अपडेट तो आ चुका है, बट ग्लोबल में कब आएगा उसी की रिलीज डेट को लेकर। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी टॉपिक पे मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा, या फिर सीधी सी बात बोल सकते हो यार, कुछ शेयर करना चाहूँगा तुम लोगों से। तो यार थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करना तुम लोग भी इसको। तो जैसा कि सबको मालूम हो गया यार, जो लोग मेरे चैनल पे मतलब लगातार वीडियोस देखते हैं गाइस, कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि फ्री में इमोट कैसे लें। तो यार उस पर इस बंदे ने ये कमेंट किया कि दूसरों की वीडियो कॉपी करना छोड़ दे। और यही कमेंट नहीं था इकलौता, उसके अलावा बहुत से कमेंट आए थे कि भाई थैंक यू सो मच भाई, तुमने ये ट्रिक बताई। एक बंदे ने बोला कि यार 90SR में तुम्हारी वीडियो कॉपी की है। और भी बहुत से बंदों ने लगा कि भाई तुम्हारी वीडियोस कॉपी की है किसी ने। तो देखो यार, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या किसने कॉपी किया है। तो सबसे पहले तो पबजी लाइट गेमिंग YT, भाई गेमिंग की स्पेलिंग तू सही कर ले यहाँ पर। और अगर ये वीडियो तू देख रहा है तो यार थोड़ा कान खोल के सुन लेना कान खोल के, कि इस गेम सबके लिए एक ही है और सबके लिए एक ही टाइम पे सारे अपडेट्स आते हैं, सबके सीजन साथ में चेंज होते हैं, विनर पास सबके लिए सेम ही आता है और सबके में वही सेटिंग्स वर्क करती हैं, सबके लिए सब कुछ वही है। तो इसमें ये बता, अगर मेरे में ये ट्रिक ऐसे वर्क करती या फिर सामने वाले बंदे में वैसे वो ट्रिक वर्क करती, सेम वैसे में मेरे वर्क करेगी, तो उसने पहले वीडियो बनाए, मैंने पहले बाद में वीडियो बनाई, इससे कॉपी क्या हो जाता है ये पहले दिखता। अगर तू देख रहा है वीडियो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी यार तुम लोग अपने ओपिनियन बताओ कि देखो, अगर एक ही ट्रिक सबके में सेम तरीके से वर्क करती है, सामने वाले बंदे ने पहले वीडियो डाली, मैंने बाद में डाली, या फिर बहुत सी वीडियोस आती है मेरी सबसे पहले टॉपिक पे आती हैं तो मैंने वीडियो डाली, बाकी बंदों ने बाद में डाली, तो क्या तुम लोग जाके उसे कमेंट में गाली दोगे कि भाई तूने कॉपी की है? यार सबके लिए जब सेम आया है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब मैंने विनर पास पे वीडियो बनाई सबसे पहले, बाद में किसी ने विनर पास पे बनाई, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि यार उसने मेरा कॉपी किया। विनर पास तो सबके लिए सेम आता है, सबके लिए सेम रिवॉर्ड्स होते हैं। बट यार ऐसे लोग जो हैं यार, छोड़ो कुछ फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन पे, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो यार, टॉपिक जैसा कि चल रहा था हमारा, जो पबजी मोबाइल लाइट के 0.19.4 अपडेट हमारा बीटा इस टाइम आ रहा है, और अभी भी गेम के अंदर कुछ बग्स हैं, मैं सच बोलूँ तो बग्स हैं, स्किन वगैरह के बग्स। इसके ऊपर मेरे सेकंड चैनल पे एक वीडियो है, तो उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस लिंक को जाके यार एक बार चेकआउट करो। उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि स्किन वाला जो बग है गाइस कैसे वर्क करता है, और बहुत ही ओपिक बग है यार, सच बोलूँ तो बहुत ही कूल है। जो व्हीकल यार बिल्कुल एकदम ट्रांसफॉर्मर देख के लगता है बहुत। और उसी को फिक्स करने के लिए यार हमको एक और अपडेट अभी बीटा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीटा के अंदर ये हमारा पहला अपडेट है। अभी एवरी टाइम हमारा 3-4 अपडेट, कभी कभी 4 आते हैं, कभी कभी 3 आते हैं, 4 से ज़्यादा आज तक अपडेट आई डोंट थिंक कि गया है, क्योंकि बीटा मेरे फ़ोन में हमेशा इंस्टॉल रहता है, कभी भी अनइंस्टॉल नहीं होता। एवरी टाइम मेरे फ़ोन में बीटा पड़ा रहता है और मैं डेली चेक करता हूँ कि अपडेट आया है या नहीं आया है। तो जैसा कि यार इस मंथ का एंड होने वाला है, आज ऑलरेडी 21 हो चुका है और कुछ ही दिनों में ये मंथ भी ख़त्म हो जाएगा। और पहले क्या होता था कि हमारा अपडेट जो है मंथ के एंड में आता था, बट फाइनली गाइस अब 3-4 अपडेट्स जो हमारे अपडेट है ग्लोबल में, वो हमारे मंथ के मतलब कि बिल्कुल जो हमारे स्टार्टिंग में आते हैं, फर्स्ट वीक जैसा बोल सकते हैं, हमारा फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक 10-20 के अराउंड हमारा अपडेट जो हमको अपने ग्लोबल में देखने को मिलता है। पहले वन जो हमारा वन मंथ पे आता था अपडेट, अब 2 मंथ पे आता है, जैसे कि देख सकते हो हमारा अपडेट आई 0.19 का, फिर अक्टूबर में कोई अपडेट नहीं आया, और उसके बाद अब हमारा जो नवंबर में अपडेट आने वाला है। तो इसी तरह यार चीज़ चेन वर्क करती है, सब चीज़ का एक बोले तो टाइम होता है, और उसी पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग गाइस हमको जो हमारा 0.19.4 अपडेट है, नेक्स्ट अपडेट में भी इसको अपडेट करके 0.19.5 कर सकते हैं ये लोग, तो ये अपडेट हमको देखने को मिलेगा 10-20 नवंबर के अराउंड। अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो गाइस 16 नवंबर के अराउंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि 16-19 यही 3 डेट हैं जो इतनी बार हम लोग को मतलब कि हर बार इन्हीं 3 डेट्स के अराउंड जो हमको अपडेट मिला है। तो आई होप कि यार ये अपडेट भी हमको इसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। बाकी यार ऑफिशियली कोई डेट नहीं आई है, मैं चेक कर रहा हूँ कि जो हमारा हेल्प सेंटर होता है गाइस वहाँ पर लिख के आती है डेट, तो वहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमको एक डेट मिल जाए पर्टिकुलरली परमानेंट, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग तुम लोग को बता सकें। तो गाइस बहुत से लोग मेरे से पूछे थे तो ये वीडियो बनी थी। बाकी यार फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।